Hello students, today I'll be giving you the lecture on the topic debenture, issue and redemption of debenture, and this topic is for the students of BCom second semester for the subject financial accounting. But before I begin up, I would like to give you an overview as to why is debenture being issued. Okay, so what happens that whenever a company raises a capital, it raises the capital by means of issue of shares. This we have already studied. That company को जब भी capital raise करनी होती है तो वो कैसे करती है? Shares को issue करती है, ठीक है? और कभी-कभी क्या होता है कि shares issue करने से जो funds मिलते हैं company को वो इतने नहीं हो पाते हैं कि वो अपनी long term financial needs को पूरा कर सकें, right? So the funds that has been raised by the company by the issue of shares, so the funds that has been raised by the company are not adequate to meet the long term financial needs of the company. So what happens that in most of the cases, companies do what? Company issue the debentures to meet out their long-term financial needs. ठीक है? अब debenture है क्या? So debenture is what? It's a written instrument. Debenture क्या है? एक written instrument है, which acknowledges a debt under the common seal of the company. Right? कहने का मतलब है कि debenture एक written instrument है जो कि कंपनी की कॉमन सील के तहत किया जाता है और ये एक एक्नॉलेजमेंट देता है कि हाँ कंपनी ने डेट लिया है राइट तो हाउ डज इट गिव्स एन एक्नॉलेजमेंट व्हेन द कंपनी इश्यूज द डिबेंचर सर्टिफिकेट जैसे कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करती है इन द सेम वे कंपनी इश्यूज द डिबेंचर सर्टिफिकेट ऑल्सो एंड दैट इज वाई इट इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट ये रिटन इंस्ट्रूमेंट क्यों है क्योंकि रिटन में कंपनी जो है एक्नॉलेज करती है कि हाँ मैंने आपसे डेट लिया है अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी राइट नाउ डिबेंचर कंटेन्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर रीपेमेंट जैसा कि मैंने अभी कहा रिटन इंस्ट्रूमेंट है तो रिटन का मतलब कि देर आर टू पार्टीज वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज बीन डन जहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एंड कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर व्हाट द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड और एट इंटरवल्स और एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी एंड फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट अ फिक्स्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का होता है कॉन्ट्रैक्ट इस चीज का होता है कि जिसने भी जो डेट दिया है कंपनी को उसका एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद उसको उसका प्रिंसिपल का अमाउंट जो है वापस मिल जाएगा इट वुड बी रीपेड एंड ऑल्सो देयर वुड बी अ पेमेंट फॉर द इंटरेस्ट ऑल्सो ठीक है इंटरेस्ट का भी भुगतान जो है कंपनी को करना पड़ेगा अगर कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स्ड रेट मेंशन है तो फिक्स्ड रेट पे करना पड़ेगा या जो भी पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है अकॉर्डिंगली एंड दिस फिक्स्ड रेट दैट इज दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेबल ईदर हाफ ईयरली और ईयरली ऑन फिक्स्ड डेट्स जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दो पार्टीज के बीच में तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स के अकॉर्डिंग जो है दोनों पार्टीज के बीच में जैसा भी डिसीजन होता है कि इंटरेस्ट को कैसे पे करना है हाफ ईयरली पे करना है ईयरली पे करना है या जो फिक्स डेट्स उन्होंने बोली है दोनों पार्टीज ने डिसाइड किए हैं अकॉर्डिंगली ठीक है देन नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अब सी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में भी अगर डिबेंचर पूछा जाएगा तो यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन बिकॉज दिस डेफिनेशन इज द लेटेस्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 एंड दिस सेक्शन यू हैव टू रिमेंबर एंड दिस सेक्शन इज सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि डिबेंचर क्या है डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर इन्वेंट्री यानी डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड्स एंड एनी अदर सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट यानी वो सारी चीजें वो सारे इंस्ट्रूमेंट चाहे वो डिबेंचर इन्वेंट्री हो बॉन्ड्स हो या कोई भी सिक्योरिटीज हो चाहे किसी असेट पे आपने उसको चार्ज किया हो चाहे न किया वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी डिबेंचर कहलाएंगी ओके नेक्स्ट फीचर्स ऑफ डिबेंचर तो अभी हम लोग ने जो भी पढ़ा है जो भी डिबेंचर के बारे में हम लोग ने अभी तक जो भी जाना है फ्रॉम दैट ओनली वी आर एबल टू मेक आउट द फीचर्स तो पहला फीचर है डिबेंचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट विच इज बीन इश्यूड बाय द कंपनी दिस वी हैव ऑलरेडी डन डिबेंचर क्या है एक रिटन डॉक्यूमेंट है वर्बली कुछ भी नहीं होता है वर्बल का कोई मतलब नहीं है यू हैव टू गेट अ रिटन डॉक्यूमेंट विच इज बीन साइंड बाय बोथ द पार्टीज एंड देन ओनली बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट राइट सेकेंड इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल जैसा कि मैंने अभी आपको बताया डिबेंचर क्या है इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है फॉर द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल एंड इट्स इंटरेस्ट एट अ स्पेसिफाइड डेट एंड रेट ठीक है रेट का मतलब जैसे आपने सपोज यू आर
होल्डिंग अ कंपनी, आपकी कोई कंपनी है एंड आपको यू आर इन नीड ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन्स, तो आपने डिबेंचर्स इशू किए, ठीक है, एंड आपने बोला कि जब ये डिबेंचर का रिडेम्पशन करूँगा यानी रिपेमेंट करूँगा आपको, तो आई विल पे यू विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%, राइट। तो यहाँ पे आपने रेट को मेंशन कर दिया, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में यू हैव टू स्पेसिफाई एवरीथिंग, व्हाट वुड बी द रेट एट विच द इंटरेस्ट वुड बी पेड, एट व्हाट डेट, वेदर ईयरली, हाफ ईयरली, और जो भी पार्टीज आपस में डिसाइड करती हैं, तो एवरीथिंग शुड बी क्लियरली स्पेसिफाइड। नेक्स्ट पॉइंट इज डिबेंचर एक्नॉलेजेस अ डेब्ट बाय द कंपनी टू इट्स होल्डर। डिबेंचर क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट देता है, किसको देता है, डिबेंचर होल्डर को, कि हाँ कंपनी ने आपसे जो है डेब्ट लिया है, ओके। नेक्स्ट इज इट इज इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट इशूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी कॉल्ड डिबेंचर डीड। डिबेंचर क्या है, डिबेंचर जो है सर्टिफिकेट्स के फॉर्म में इशू किया जाता है। डिबेंचर मीन्स डिबेंचर सर्टिफिकेट विच इज बीन इशूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी, राइट, एंड इट यूजली शोज द अमाउंट एंड डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ द लोन। और उसमें डिबेंचर सर्टिफिकेट में क्या मैंशन होता है, अमाउंट एंड डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ द लोन। नेक्स्ट पॉइंट इज डिबेंचर्स कैन बी सिक्योर्ड अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी और इट मे बी अनसिक्योर्ड। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिबेंचर्स को हम सिक्योर भी कर सकते हैं अगेंस्ट द एसेट्स। असेट्स में आप यू कैन सिक्योर द डिबेंचर्स अगेंस्ट द फिक्स्ड असेट्स और द फ्लोटिंग असेट्स, ओके, और इट कुड बी अनसिक्योर डिबेंचर्स एज वेल। जरूरी नहीं कि आप किसी असेट के अगेंस्ट उसको सिक्योर ही करें, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। फिर डिबेंचर्स को हम एट पार वैल्यू, प्रीमियम या फिर डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो डिबेंचर इशू आपको करना है उसकी नॉमिनल वैल्यू जो है वो 100 रुपये आ रही है, ठीक है, लेकिन जब आप उसको इशू कर रहे हैं और तो 100 ही रुपये पे इशू कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इट इज़ दी पार वैल्यू। ये क्या हो गई, दिस इज दी पार वैल्यू। अब 100 रुपये का डिबेंचर है और आप उसको इशू कर रहे हैं 110 रुपये पे, तो ये 10 रुपये क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। और 100 रुपये का डिबेंचर है अगर आप उसको 90 में इशू कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एट डिस्काउंट हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इज द इंटरेस्ट पेड टू देम इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स इन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी जो भी इंटरेस्ट देती है डिबेंचर्स पे, वो उसको हम दिखाते हैं कंपनी के P&L अकाउंट में, राइट। तो इंटरेस्ट जो भी कंपनी पे करती, इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, यानी जब हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे हम इंटरेस्ट पे टू डिबेंचर्स वी मेंशन दिस, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिबेंचर, सी व्हेन यू टॉक अबाउट द टाइप ऑफ डिबेंचर, आपके बुक में यही टाइप्स दिए हुए हैं। टाइप्स क्या हैं, अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबिलिटी, अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी, अकॉर्डिंग टू रिडेम्पशन, अकॉर्डिंग टू कन्वर्टिबिलिटी एंड अकॉर्डिंग टू कूपन रेट। और हर एक टाइप के अंदर जो है सब क्लासिफिकेशंस हैं। जैसे कि अब आप देखेंगे कि नेगोशिएबिलिटी, अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबिलिटी देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स एंड बियरर डिबेंचर्स, ओके। अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी, सिक्योर डिबेंचर्स एंड अनसिक्योर डिबेंचर्स। अकॉर्डिंग टू रिडेम्पशन, रिडीमेबल डिबेंचर्स, इररिडीमेबल डिबेंचर्स। अकॉर्डिंग टू कन्वर्टिबिलिटी, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। अकॉर्डिंग टू कूपन रेट, स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर्स एंड जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स, ठीक है। ये आपका क्लासिफिकेशन है, प्रिपेयर दिस चार्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल डिस्कस ऑल द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स वन बाय वन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योर डिबेंचर्स, तो सिक्योर डिबेंचर्स एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट दिस डिबेंचर इज सिक्योर्ड अगेंस्ट सम एसेट। किसी एसेट के अगेंस्ट में जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं तो सच डिबेंचर्स आर व्हाट, सच डिबेंचर्स आर सिक्योर डिबेंचर्स। सी इट्स मेंशन सिक्योर डिबेंचर्स रिफर टू दोज डिबेंचर्स वेयर अ चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ डिफॉल्ट। कहने का मतलब कि अगर कंपनी डिफॉल्ट कर जा रही है, पेमेंट नहीं कर पा रही, तो जिस असेट के बदले में इसने इस डिबेंचर को इशू किया था, उसी असेट को जो है सेल आउट करके डिबेंचर होल्डर का फिर पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो चार्ज में भी फिक्स्ड और फ्लोटिंग। नेक्स्ट इज अनसिक्योर डिबेंचर्स। अनसिक्योर डिबेंचर्स क्या होते हैं, जिनको किसी भी असेट पे चार्ज नहीं किया जाता है, इनको ऐसे ही इशू कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन, रिडीमेबल डिबेंचर्स, इररिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल का मतलब रीपेमेंट,
यानी जितने टाइम पीरियड के लिए हमने डिबेंचर सर्टिफिकेट को इश्यू किया है वो टाइम पीरियड जैसे ही पूरा है हम जो है डिबेंचर्स का पेमेंट कर देते हैं। और जब हम डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं तो या तो हम पार वैल्यू पे रिडीम करते हैं या प्रीमियम पे रिडीम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इरिडीमेबल डिबे। अच्छा एक चीज इसमें देखिए कि जब हम डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं तो या तो पार वैल्यू पे कर रहे हैं या तो प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? हम डिस्काउंट पे क्यों नहीं रिडीम कर रहे हैं? तो डिस्काउंट पे इसलिए नहीं रिडीम कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर्स बताया कि अगर मैंने किसी को 100 रुपए का डिबेंचर दिया है या मान लीजिए 110 रुपए का दिया है और हम उसको बोले या चलिए 100 ही रुपए ले लेते हैं, 100 रुपए का डिबेंचर दिया और जब रिडेम्पशन की बात आई तो मैंने कह दिया कि मैं आपको 90 रुपए दूंगा, क्या डिबेंचर होल्डर इस चीज को एक्सेप्ट करेगा? नहीं एक्सेप्ट करेगा। इसलिए डिबेंचर्स जब भी रिडीम होते हैं या तो पार वैल्यू पे होते हैं या तो प्रीमियम पे होते हैं, लेकिन डिस्काउंट पे रिडीम नहीं होते हैं, ठीक है। इरिडीमेबल डिबेंचर्स जिनका कभी भी रिपेमेंट नहीं होता है, तो डी डिबेंचर्स आर रिपेबल। और ये डिबेंचर्स का रिपेमेंट होता कब है? ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी और ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ लॉन्ग पीरियड। अगर बहुत लंबा समय बीत जा रहा है तो उसके बाद होगा, नहीं तो फिर कंपनी जब वाइंड अप होने लगती है तब होता है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, सो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, डिबेंचर्स विच आर कन्वर्टेबल इंटू इक्विटी शेयर्स और इन एनी अदर सिक्योरिटी, जो वो जो डिबेंचर वो डिबेंचर्स जिनको हम किसी भी जिनको हम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या किसी भी सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं उनको कन्वर्टेबल बोलते हैं, और जिनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते उनको हम कहते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ओके। नेक्स्ट इज फ्रॉम द कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ तो कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू से पहला है हमारा स्पेसिफिक डिबेंचर, ठीक है। स्पेसिफिक डिबेंचर क्या होता है? स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स विच आर इशूड एट स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिनको हम स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इशू करते हैं जिन डिबेंचर्स को, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको हम लोग कूपन रेट कहते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर्स वो हो गए, जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स वी डू डू नॉट कैरी ए स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया जाता है उसको हम कहते हैं जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स, ठीक है। नेक्स्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो दो तरीके के होते हैं, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स और बियरर डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड का मतलब वो डिबेंचर होल्डर्स जिन्होंने हु आर रेडी टू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, वो डिबेंचर्स होल्डर्स अपना नेम एड्रेस और सारी डिटेल कंपनी के रजिस्टर बुक में मेंशन कराते हैं और उन्हीं को जो है वो डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, तो उनको हम लोग कहते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, ठीक है। और बियर डिबेंचर्स ठीक ऑपोजिट है रजिस्टर्ड का, यानी दीज आर द डिबेंचर्स विच कैन बी ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ डिलीवरी, दीज आर फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड डू एंड द कंपनी डू नॉट कीप एनी रिकॉर्ड ऑफ सेल्फ डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज पेड टू अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस द इंटरेस्ट कूपन अटैच टू सेल्फ डिबेंचर, और उसी को इंटरेस्ट मिलेगा जो वो डिबेंचर लेके आएगा, बियरर डिबेंचर्स। तो डिफरेंस क्या हुआ रजिस्टर्ड में? रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं कंपनी के रजिस्टर बुक्स में और उन्हीं को डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, बट इन केस ऑफ बियरर डिबेंचर्स दीज आर फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड हूसोएवर ब्रिंग्स द डिबेंचर सर्टिफिकेट्स इन द कंपनी दैट पर्सन विल बी एंटाइटल टू गेट द इंटरेस्ट एज वेल, ओके। सो दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। नाउ नाउ विल मूव अहेड टू द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले शेयर का मीनिंग, तो शेयर्स आर द ओन फंड ऑफ द कंपनी। शेयर्स क्या हैं? ओन फंड होते हैं कंपनी के। डिबेंचर्स क्या होते हैं? बोरोड फंड होते हैं, यानी उधारी, बोरोड यानी हमने कर्ज लिया है हमें वापस करना है, राइट। शेयर्स रिप्रेजेंट द कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर जो है कंपनी के कैपिटल को रिप्रेजेंट करते हैं, और डिबेंचर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डेब्ट को। होल्डर, द शेयर जो होल्ड करता है उसको शेयर होल्डर बोलते हैं, डिबेंचर जो होल्ड करता है वो उसको डिबेंचर होल्डर बोलते हैं। स्टेटस क्या है? शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स एंड डिबेंचर्स आर द क्रेडिटर्स, ठीक है। फिर शेयर्स पे डिविडेंड दिया जाता है और डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट दिया जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। शेयर्स पे हमेशा हम लोग डिविडेंड देते हैं और डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है।
डिविडेंड कहाँ से देते हैं हम लोग? तभी देते हैं जब कंपनी को प्रॉफिट होता है। अगर कंपनी लॉस में तो कंपनी डिविडेंड नहीं देगी। लेकिन अगर डिबेंचर्स की बात करें तो कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कंपनी को इंटरेस्ट देना ही देना है। ठीक है, डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, और इंटरेस्ट इज वॉट? इट इज अ चार्ज, राइट? अभी हम लोग ने पढ़ा था ना, इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट दी प्रॉफिट्स। यानी इंटरेस्ट हम लोग जो है डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट देते हैं उसको हम लोग पीएनएल में दिखाते हैं, और डिविडेंड जब हम लोग पे करते हैं शेयर्स को, तो पीएनएल अकाउंट बनाने के बाद डिविडेंड का हम लोग एप्रोप्रिएशन करते हैं। ठीक है, शेयर्स इशू करने के लिए कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, लेकिन डिबेंचर्स को जब इशू करना होता है तो दैट नीड्स अ सिक्योरिटी। वोटिंग राइट, शेयर होल्डर्स हैव अ वोटिंग राइट, वेयर इज डिबेंचर्स होल्डर्स डू नॉट एंजॉय दी वोटिंग राइट्स। ठीक है, शेयर्स कैन नेवर बी कन्वर्टेड इंटू डिबेंचर, बट डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इंटू शेयर्स। शेयर्स आर रीपेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ ऑल दी लाइबिलिटीज। ठीक है, शेयर्स का रीपेमेंट होता है, शेयर्स का पेमेंट होता है आफ्टर फॉर दी ऑल दी लाइबिलिटीज, बट डिबेंचर्स गेट द प्रायोरिटी ओवर शेयर्स एंड सो दे आर रीपेड बिफोर शेयर्स। येस, डिबेंचर होल्डर्स को जो है शेयर्स, शेयर होल्डर्स के पहले अगर कोई पेमेंट करना है तो पहले डिबेंचर होल्डर्स को किया जाता है। ठीक है, डिविडेंड ऑन शेयर्स इन एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नो ट्रस्ट डीड इज एग्जीक्यूटेड इन केस ऑफ शेयर्स, कोई भी ट्रस्ट डीड शेयर्स के केस में एग्जीक्यूट नहीं होती, लेकिन डिबेंचर्स के केस में ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, तो ये आपका मेन बेसिक कॉन्सेप्ट था। थियोरेटिकल पार्ट आज मैंने डिस्कस किया है कि डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर के टाइप्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स के और शेयर्स के बीच के क्या डिफ्रेंशिएशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आई विल बी स्टार्टिंग अप विद सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑन इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू सो मच।